बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये समर 2013 के पेपर 11 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये कह रहा है इन द एक्सप्रेशन 1 माइनस पी एक्स होल पावर 6, पी इज अ नॉन जीरो कांस्टेंट। फाइंड द फर्स्ट थ्री टर्म्स व्हेन 1 माइनस पी एक्स पावर 6 इज एक्सपेंडेड इन असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स। यानी फर्स्ट थ्री टर्म्स मालूम करें जो असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स में एक्सपेंड किया जा रहा है। हमें पता है कि एक्स प्लस वाई होल पावर एन जो होता है वो होता है एक्स पावर एन प्लस एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई प्लस एन सी टू एक्स पावर एन माइनस टू वाई स्क्वायर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अब इसको फर्स्ट पार्ट ये है, वन माइनस पी एक्स होल पावर सिक्स को कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा वन पावर सिक्स प्लस सिक्स सी वन वन की पावर फाइव और माइनस पी एक्स और प्लस सिक्स सी टू वन की पावर फोर और माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर। वन की पावर सिक्स वन आ जाएगा प्लस सिक्स सी वन सिक्स होता है सिक्स और इंटू माइनस पी एक्स वन की पावर कुछ भी हो प्लस सिक्स सी टू जो होता है वो पंद्रह होता है फिफ्टीन और ये इसका आ जाएगा पी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। तो आ जाएगा वन माइनस सिक्स पी एक्स और प्लस फिफ्टीन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अच्छा अब आप देखिए ये जो नया सेकंड पार्ट इसका वो कहता है इट इज गिवन दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज जीरो। तो और उसके बाद पी की वैल्यू मालूम करें जो पी नॉन जीरो है। अब सेकंड पार्ट इसका ये है कि वन माइनस एक्स इंटू वन माइनस पी एक्स होल पावर सिक्स। तो ये तो वन माइनस एक्स वही इसका वन माइनस ये आ जाएगा वन माइनस सिक्स पी एक्स और प्लस फिफ्टीन पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। हमें सिर्फ कोफिशियंट चाहिए किसका एक्स स्क्वायर का। तो मैं लिखता हूँ इसको कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वन किसको करके एक्स स्क्वायर आ जाए ये फिफ्टीन बी स्क्वायर। फिर माइनस एक्स किसको करे इसको इसको तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस सिक्स पी एक्स स्क्वायर। तो ये आ जाएगा सिर्फ प्लस सिक्स पी के। तो ये आ जाएगा फिफ्टीन पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी। अब ये फिफ्टीन पी स्क्वायर प्लस सिक्स पी इक्वल टू जीरो रखें स्क्वायर प्लस सिक्स पी इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसमें से पी कॉमन ले लें तो या आता है फिफ्टीन पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें या तो पी जीरो आएगा विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड क्योंकि उसने कहा है कि पी नॉन जीरो है विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड लिखें। और ये कह दें फिफ्टीन पी प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो पी आ जाएगा माइनस सिक्स अपॉन फिफ्टीन के। इसको सिंप्लीफाई करें थी से तो ये आ जाएगा माइनस टू अपॉन फाइव के। तो पी की वैल्यू आ गई माइनस टू अपॉन फाइव।